चोखा दे रख लिया। चोखा मुझसे ले लीजिए। हमने सबसे ज्यादा काम मर्चे वाला ना, इतना ज्यादा मर्चे खपत रहा। दोस्तों देखिए आज बनाए हम लोग यहाँ शंख भौरी और शंख भौरी हम लोग खा रहे हैं। तो आज बनाए देखिए दोनों तरह का भौरी बनाए हम लोग। और आप लोग को अगर खाना हो कौन सा भौरी है ये शंख, अगर शंख भौरी आप लोग खाना हो तो जरूर आ जाइए। ये बनी तनी बार मरचा काट दे वो शिवानी परेशान है, उसे भी पानी देती है। अच्छा देना नहीं खा लो बाबू। अब लिट्टी बताइए। अच्छा हमारे गांव में भौरी कहते हैं लिट्टी लोग। बाबू भाई वो क्या है ये क्या बताओ? अंकू क्या है? बैगन बोलो। बैगन हाँ बैगन। अरे बाबू ये क्या है? टमाटर क्या है? टमाटर बोलो बोलो। टमाटर केवल दो शब्द बोलता है ये मंतु अक्षर का। मामा दादा दादी बाबा भैया गिरा देगा बाबू छुओ मत उधर। अरे गिरा छुओ मत उसको। इधर आओ खाना खाओ खाना बाबू संग बड़े खाना। आप तो मेरे भाई जब से आई है घर गया ना। अच्छे बच्चे ना बदमाशी नहीं करते हैं। इधर आओ तो क्या है कैमरे के पीछे पड़ गया एकदम। ये जब रहता है तो कुछ भी नहीं करने देता है। जो गया था मामा के यहाँ तो वही पर आने दिया। वहाँ पे सारे बच्चों को अपने भाइयों को छोटे छोटे तोड़ना चल रहा है। छोटा सा तलवार है सबका अलग अलग फरमाइश है। चोखे में ब्रांड देखिए कोई नमक तेज खा रहा है कोई भरवा मिर्च डाल के खा रहा है। आपको ज्यादा नमक कम पड़ता है हम लोग को फीका लग रहा है। आप लोग नमक डालिए चोखा में कुछ लोग भरवा मिर्च डाल रहे हैं जैसे आप डालिए। हम प्याज डाले हैं हमको प्याज नहीं पसंद है कच कच करता है पूरे पसंद है हमको तो अच्छा लगता है प्याज। हाँ प्याज अच्छा लगता है लेकिन सब चीज सबको नहीं अच्छा लगता। देखिए अभी एक गोलका खाए हैं अभी दो बचा है उसके बाद से देखिए ये जो शंख भौरी है ना लंबा वाला अब ये बचा है तो पहले गोलका ज्यादा है तो गोलका खा ले फिर लंबा का है हंस रहे भाई। देख रहा हूँ या तो आदमी पर ज्यादा होता भसता है ऊपर से पूरा सिर पोत दिया चोटे पे उसका कपड़ा भी छोटे में सब भिज गया। इसको छोड़ चलो उधर जा दिल्ली पा जा बदमाशी कर रहा तो तुम जाओ दिल्ली पा जा।
देख चलो चल टीवी देखो टीवी देख चलो चल टीवी देख टीवी देखो हम दोनों को पास नहीं रहने देता है ना इसीलिए जानती है वो आगे इधर बज रहा है वहां से नहीं जा रहा है अगर वो आप रहते ना तो वहीं पे जाता हूँ थोड़ा सा भी शरीर टच हो गया तो कहते मम्मी पीछे जाओ अगर इनको तेल रख दो चाहे पैर दबा दो तो बोलता है उसी में घुस जाए तो अगर मेरा पहले कर उसके बाद कहते मम्मी पीछे जाओ मनो इनको नहीं डरना है हाँ कि मतलब इनको नहीं लगाना है नहीं डरना है देखिए बहुत आनंद लिया हम लोग अगर आप लोग खाना खिला जाइए अरे बहुत बच्चा है बहुत टेस्टी बना है एकदम जबरदस्त बना है ठंडी में सब खाना टेस्टी लगता है देसी खाना है और ठंडी में तो स्वाद कुछ अच्छा है इसलिए भी चोखा का हर सामान रहता है टमाटर धनिया सब हरा हरा चीज रहता है ना अदरक लहसुन मिर्चा धनिया अदरक नींबू हरा मिर्च मतलब सब कुछ नहीं जी अरे तो पूरा हरियाली छोले भगवान में चारों ओर देखा था देहात में रहने से ये तो फायदा है देखिए हम लोग खांटी देहात में रहते हैं शहर हम लोग से 40 किलोमीटर दूर है छोटा चक्की चौराहा तो है ही है हर गांव में है लेकिन जंगली चीज मिलता है वहां पे हर चीज नहीं मिलता है किसी सामान के लिए हम लोगों को शहर में जाना पड़ता है तो आप लोगों को भी लालच आ रहा होगा चलिए धनिया लहसुन आलू सब तो मिल जा रहा है खेत में देखिए जो मिलता है ना सीजन हम लोग को जो सीजन मिलता है ना एकदम ताजा मिलता है समझिए एकदम खेत में जाता है और बनता है कोहरा मिल जाता है सीजन का ताजा अपना अपने हाथ का बोया हम लोग कोहरा इतना बड़ा बड़ा होता है एक हाथ से नहीं हटेगा एक हाथ से तो उठबा ही नहीं करेगा इतना बड़ा बड़ा कोहरा है तो बता रहे हैं दोस्त लोग तो क्या देंगे क्या हाँ देख क्यों नहीं देंगे अभी देखते भर चुका बहुत बचा है एड्रेस बता दीजिए आपके ले जाएंगे लोग एड्रेस लोग खुद पता कर लेंगे क्या नहीं पानी ले आना बाबू पानी ले हम लोग आने वाले हैं यहाँ एक ग्लास बाबू यहाँ यूपी के रहने वाले हम लोग हम लोग का जिला पता है देवरिया तो वहाँ से 40 किलोमीटर दूर हम लोग का गाँव है हम खाटी देहात में दिल्ली से मान के जाओ यूपी और बिहार बॉर्डर पड़ता है हम लोग का यूपी में गाँव पड़ता है थोड़ी दूर पे बिहार है लेकिन भाषा हम लोग का बिहारी ज्यादा होता है बिहारी बोलते हैं लोग अभी हम लोग साथ में जाएंगे तो लोग कहेंगे ना कि आप लोग बिहार के रहने वाले हैं क्या क्योंकि हम लोग का लैंग्वेज वही है बिहारी ज्यादा है मैं नहीं बिहारी हूँ अरे भाई आप यूपी के हैं देवरिया जिले का और देवरिया जिले का है ये सर खांटी देहात के हम वहाँ से यहाँ बिहार के बॉर्डर से है करो नमक भाई नमक कितना आप लोग खा रहे हैं नमक एकदम कम करना चाहिए हमें चोखा चोखा ये नमक नमक ज्यादा नहीं खाना भाई कितना बोल रहे हैं नमक ज्यादा नहीं है कम है कम रखा जाता है आपके लिए देखिए स्वादानुसार सबको खाने का
आज्ञा लेकिन दोस्तों फिर मिलते हैं अगले बार में। बाय बाय।